नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डीएमडीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न हुए हालातों के दौरान राजनेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस आपदा के समय आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह मानवता प्रदेश व देश हित में बिल्कुल भी नहीं है और यह छोटी सोच का उदाहरण है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ये कौन सा सिद्धांत है कि हम अपने जिले डुबोएंगे और फिर दिल्ली को डुबोएंगे। यमुना से जो नुकसान हुआ है उससे तो सबसे पहले यमुना नगर ही डूबा है। जिले के दो गांव राज्य सरकार को खाली कराने पड़े। हरियाणा का एरिया यमुना के साथ दिल्ली के मुकाबले ज्यादा लगता है, इसलिए इतनी समझ उन्हें होनी चाहिए कि कम से कम इस प्रकार का बयान देने से पहले हरियाणा को बदनाम करने से पहले सोचना चाहिए। सीएम ने कहा कि हरियाणा ऐसे बदनाम नहीं होगा, हरियाणा की अपनी एक पहचान है, हरियाणा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि सेवा करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के पानी की आवश्यकता को हरियाणा ही पूरा करता है। दिल्ली का शेयर 750 क्यूसेक का और आज भी हरियाणा दिल्ली को 1070 क्यूसेक पानी देता है। 320 क्यूसेक पानी उसके हिस्से से ज्यादा देते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पानी पर पहला अधिकार पीने वाले लोगों का होता है, तो दिल्ली के पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितना अतिरिक्त पानी हरियाणा देगा उस अतिरिक्त पानी का दिल्ली सरकार भुगतान करेगी, जबकि दिल्ली सरकार उस 320 क्यूसेक अतिरिक्त पानी का पैसा नहीं देती है। कोई चीज यदि पैसे से दी जा रही है तो उसका पैसा लुटाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आज SYL नहर बनी होती तो पंजाब को कम नुकसान होता, लेकिन पंजाब का वर्षा का अतिरिक्त पानी बहकर हरियाणा में जो SYL बनी है उसमें आया, जिसके कारण अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले के इलाके डूब गए। यह दो जिले केवल अधूरी बनी हुई SYL के कारण से डूबे, किंतु हरियाणा ने पंजाब पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ नेता जो आज जोकर की तरह मजाक कर रहे हैं कि आज हमारे पास पानी है तो आज हमसे पानी क्यों नहीं मांगते, इस समय ऐसे बयान देना सही नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कभी भी हल्का मजाक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सीएम ने कहा कि फसली नुकसान के जायजे के लिए प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं। कई इलाकों में पानी उतरने के बाद धान की बिजाई भी संभव है। उन्होंने कहा कि किसानों को ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान दर्ज करने को कहा जाएगा, उसके बाद गिरदावरी करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानवतावादी होने के नाते हम सब प्रदेशों जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, आसपास के जितने प्रदेश हैं उनके साथ खड़े हैं। पड़ोसी होने के नाते यह हमारा फर्ज बनता है, हम सबकी चिंता करेंगे, कोई जरूरत होगी तो हम सबकी मदद करेंगे। ये जो प्राकृतिक आपदा पिछले एक सप्ताह जिसका हम देख रहे हैं बहुत सा एक कुप्रभाव ये पड़ा, तो अचानक ही पानी की वृद्धि हुई, कुछ तो वर्षा बहुत आई है, यानी एक प्रकार से माना जाए तो इसी पीरियड में जिस पीरियड में ये वर्षा हुई है पिछले सालों की रादर एवरेज वो 145 mm के आसपास रही है, लेकिन इस साल ये 245-250 mm के आसपास हुई, यानी मोर देन 180%। तो ये अधिक वर्षा होने के कारण से, दूसरा हमारे प्रांत में तो फिर भी कंट्रोलेबल था मामला, लेकिन पहाड़ी राज्यों में और ज़्यादा इस वर्षा ने तांडव किया और कई वहाँ पर पानी के कारण से भूस्खलन भी हुआ, कई गाड़ियाँ बह गई, कई लोगों की मृत्यु हो गई, मकान गिर गए। वो पानी जो आया है वो भी आकर नीचे बहाव तो डाउन की तरफ ही आता है, तो उसका नुकसान हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, कई प्रदेशों में हुआ है। अब किसी भी प्रदेश में नुकसान होता है तो वास्तव में मानवता के नाते हमको एक दुख कष्ट तो खूब होता है, लेकिन फिर भी हर किसी की सोच अपनी होती है। मैंने तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस दिन कुल्लू में सब हो रहा था तो वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मैंने बात की, और कारण दूसरा भी था कि हमारे कुछ 10-12 लोग हिसार के थे, वहाँ कुल्लू मनाली में फंस गए थे। यहाँ से समाचार मिला तो रात भर उन्होंने किसी तरीके से निकाली वहाँ, लेकिन सुबह उनको वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया, मनाली ले जाया गया। उसका मैंने धन्यवाद भी किया और आश्वासन भी दिया कि हमें भी कोई अगर आपकी आवश्यकता, यानी आपको कोई हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राजनीति से ऊपर उठ करके बातें करनी ज़रूरी होती हैं, तो उस प्रकार से ये सब हुआ है। जितना नुकसान हुआ है क्रम से अम्बाला से शुरू हुआ, ये जहाँ तक यमुना का विषय है, यमुनानगर, यमुनानगर के बाद करनाल, करनाल से पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली, फिर फरीदाबाद और पलवल। कल दोपहर से ये मान के चलना चाहिए कि पलवल में सबसे बड़ी समस्या थी
आज इस समय तक, मेरी अभी बात तो नहीं हुई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पानी वहाँ घटना शुरू हो गया होगा, क्योंकि कोई भी पानी जहाँ भी जाता 24 घंटे उसका एक उफान रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इसलिए पलवल से निकल करके वो पानी मथुरा की तरफ चला गया होगा। ऐसे ही यही स्थिति घग्गर की थी। घग्गर, छोटी नदियाँ जैसे मारकंडा, जैसे टांगरी, सरस्वती, ये तीन चार नदियाँ मिल करके वो कैथल के आसपास सब इकट्ठी मिल जाती हैं, जोर बनाती हैं। तो इसका सबसे पहला नुकसान हुआ था पंचकुला, फिर अम्बाला, अम्बाला के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद कैथल, कैथल से नरवाना का एरिया, फतेहाबाद का एरिया और फिर सिरसा। कल सिरसा में यानी रानिया ने रतिया और सिरसा, इसमें पानी कभी काफ़ी ज़्यादा उफान था। तो वही स्थिति जैसे मैंने पलवल की बताई, आज उधर भी पानी निकलना शुरू हो गया होगा, डाउन होना शुरू हो गया होगा। तो इस सारे में काफ़ी नुकसान हुआ है, जाने भी गई हैं। अब आंकड़ा तो सब और दो दिन बाद सब जिलों से सारा इकट्ठा होकर आएगा, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है इसमें अभी 30 के आसपास जाने गई हैं अलग अलग जिलों में, और जो ज़िले प्रभावित हुए हैं कम ज़्यादा, क्योंकि इसमें दोनों तरह के ज़िले हैं, बाढ़ प्रभावित भी हैं और वर्षा के पानी के कारण से भी ज़्यादा पानी भरा है वो भी उसमें है। 1385 ऐसे ज़िले प्रभावित हुए हैं जिसमें एक्चुअल लॉस बताया जा रहा है वो 403 है, बाकी में लॉस अभी आइडेंटिफाई होना है। काफ़ी इसमें मकान डैमेज हुए हैं, 133 मकान तो पूरे गिरे हैं। तो कल शाम तक का ये आंकड़ा है, आज का आंकड़ा भी नहीं है इसमें। तो 133 तो पूरे हाउसेज डैमेज हुए हैं, 184 पार्शली डैमेज हुए हैं, और जो पशु हैं वो भी बड़े पशु यानी गाय भैंस आदि 110 पशुओं की मृत्यु हुई है, और जो हमारे पोल्ट्री फार्म उस एरिया में आ गए वो भी लगभग 20,000, ऐसी पोल्ट्री का भी नुकसान हुआ है। जिन लोगों को घरों से बाहर निकाल करके दूसरे स्थानों पर कैंप में ले गए, ऐसे लगभग 5400 लोग हैं, जो जैसा ही मामला ठीक हो रहा है धीरे धीरे वो अपने घरों को वापस जाएंगे, लेकिन जब तक वहाँ रहते हैं उनके भोजन की, उनके पानी पीने के पानी की अथवा और कोई मेडिकल हेल्प, ये सारी चीज़ें उनको वहाँ दी जा रही हैं। पशु भी अगर साथ आए हैं, उनके गांव खाली कराए हैं, तो उसके चारे की व्यवस्था भी डिप्टी कमिश्नर के द्वारा की जा रही है। टोटल जो एरिया है जिसमें ये पानी भरा है वो 160,000 हेक्टेयर है, अर्थात 400,000 एकड़। अब इसमें सारे में लॉस होगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी कुछ ज़मीनें खाली थी, कुछ अभी जीरी की बुआई चल रही थी, पौध लग रही थी, और अभी समय ऐसा है कि पानी अगर उतर जाता है तो जहाँ पानी 6 इंच 8 इंच रहेगा तो जीरी की रुपाई दोबारा भी हो जाएगी। जुलाई जुलाई का महीना ये चीज़ें रिकवर करने लायक हैं। हाँ, बहुत नुकसान होगा तो उसका असेसमेंट थोड़ा सा बाद में होगा, उसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल है, किसानों को एक आ जाएगा कि वो उसमें रजिस्टर करें, फिर उसकी गिरदावरी और उसका जो वो होगा यानी सर्वे होगा वो बाद में होकर होगा। लेकिन बाकी तो जो सर्वे है वो तो डीसी के द्वारा भेज दिया गया है, मकानों का जान गई, वो कुछ जहाँ पानी भरा है वहाँ सड़कें हैं, ब्रिज हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं, इनमें भी क्षति हुई है, वो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट उसका मूल्यांकन करेगा। NDRF की जो टीमें हैं वो भी प्रायः जहाँ आवश्यकता है सब जिलों में भेजी गई है, 14-15 जिलों में, और आर्मी भी अम्बाला, कैथल, यमुनानगर और अब तो कल हमने फतेहाबाद में भी भेजी है, जहाँ की आवश्यकता होती है आर्मी के लोगों को अलर्ट कर रखा है। सब जगह आर्मी, एयरफोर्स या नौसेना के जो लोग अपनी नावें वगैरह लेकर के वो भी पहुँचते हैं, तो वो पूरा सहयोग उनका हमको मिल रहा है। स्टेट की पुलिस है, फायर ब्रिगेड है अथवा अन्य जो एजेंसीज हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं। तो इस नाते से ये सारी जानकारी आपको मैंने देनी थी। इस प्रकार से इस विषय को आरोप प्रत्यारोप, इसका जो ये सिलसिला शुरू हुआ है वो कतई ठीक नहीं है, ना मानवता हित में है, ना प्रदेश और देश के हित में है। कभी भी किसी के मन में ये नहीं आ सकता कि मैं अपना बचाव करूं और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दूं। ये छोटी सोच का व्यक्ति तो कर सकता है, हम तो उस सोच के व्यक्ति हैं। अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेत साहब, अर्थात ये मेरा है, ये तेरा है, ये बहुत छोटी सोच के लोग ही ऐसे मौके पर विचार करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम।
फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।